कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अब मैं जिन्हें बुलाना चाहता हूँ, मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ। वो कौन है? वो इस देश के वो आइडल हैं, हमारे अपने हैं, कि अगर आज हम कहीं भी हैं तो इसके पीछे उनकी मेहनत है। अभी कई कुछ लोगों ने कह दिया ये देश असहिष्णु है। नहीं, हमारा देश कुछ भी हो सकता है, हिंदुस्तान कभी असहिष्णु नहीं हो सकता। हमको राधा और कृष्ण, हमको राधा और कृष्ण तब ज़्यादा सुंदर लगते हैं जब फैसलाबाद में जन्मा कोई नुसरत फतेह अली खां गाता है, जब से राधा श्याम के नैन हुए हैं चार, श्याम बने हैं राधिका, राधा बन गई। हमको भगवान भोलेनाथ की स्तुति तब ज़्यादा मंत्रमुग्ध करती है जब गुजरात के उस्मान मीर साहब नमामि शमीसा सुनाते हैं और रामकथा मर्मज्ञ संत मोरारी बापू की आंखों से आंसू निकल आते हैं। हमको बनारस की गंगा तब ज्यादा पावन लगती है जब जयपुर में जन्मे अहमद हुसैन महमद हुसैन एक स्वर में गाते हैं जय सरस्वती माँ सरस्वती वरदे वरदे माँ महारानी। या आखिरी पंक्ति पे आपकी मोहब्बत मांगता हूं, उन्हें बुला रहा हूं, वरदे वरदे माँ महारानी। या सरहद पार से आया कोई गुलाम अली बाबा संकट मोचन के दरबार की सीढ़ियों पर बैठकर अकबर इलाहाबादी को कंठ में उतारता है, बुत हमको कहे काफिर अल्लाह की मर्जी है, तो सुनने वाले ही नहीं गंगा की लहरें तक मचल उठती है। हिंदुस्तान कभी असहिष्णु नहीं हो सकता। मैं चाहूंगा मैं उनको बुलाऊं, उससे बेहतर ये होगा। बड़े शायर के लिए, बड़े कवि के लिए बड़ी तालियां कैसे बजाई जाती मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। एक बार दोनों हाथ हवा में उठाकर राहत इंदौरी जी को सुने आप भरपूर मोहब्बत के साथ में। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बैठिए। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं दिल की गहराइयों से IIT दिल्ली का शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ में अपने छोटे भाई शंकर शंभू का कि आज इतनी खूबसूरत महफिल का मुझे भी हिस्सा बनाया। या आज दिल्ली की इस महफिल में राहत इंदौरी का सम्मान नहीं है ये, बल्कि पूरे उर्दू समाज का आपने सम्मान किया है। शुक्रिया। और कुछ तीनों ने मुझे ज़्यादा बूढ़ा और बुज़ुर्ग और वरिष्ठ और वगैरह बना दिया। मैं उम्र में सब बच्चे हैं तीनों ये। इन्हें मैं ये बता दूं कि ये मेरी कुछ बीमारी और कमज़ोरी की वजह से सिर के बाल थोड़े उड़ गए हैं, बाकी पूरी मशीन काम करती है बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। मैं शायरी के बारे में भी मैं ये बता दूं दोस्तों कि मुझे कोई गर्रा या गुरूर या घमंड या फख्र नहीं है कि मैं कोई उर्दू का बहुत बड़ा शायर हूं। बस इतना ज़रूर कहना चाहता हूं, मुझे इस बात का एहसास है कि पढ़े लिखों मैं बोल रहा हूं, तो इस बात का मुझे एहसास है कि मैंने कोई एक 20-25 बरस तक एक यूनिवर्सिटी में गज़ल पढ़ाई है, तो मुझे इस बात की जानकारी है कि गज़ल सुनने के लिए, गज़ल सुनाने के लिए, गज़ल समझने के लिए, गज़ल समझाने के लिए आदमी को थोड़ा बहुत चरित्रहीन और बचलन होना पड़ता है। और जब बहुत अच्छा है, जब ये हमारी मुमताज़ जो शायरा हैं जब ये कह रही थी, जब बता रही थी आपको कि पीतल जेवर का बक्सा खोला, जिस तरीके से उन्होंने बक्सा खोला और आपने देखा, और जब ये मछुआरे नयन पढ़ रहे थे, कुंवारे नयन पढ़ रहे थे, और जिस तरीके से आप सुन रहे थे, तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मेरे काम के यहाँ काफ़ी लोग हैं। एक बात और, इससे पहले कि मैं शायरी सुनाना शुरू करूं, एक बात आपसे और बता दूं कि मैं जब तक पढ़ूंगा उसमें ज़्यादा तालियों की गुंजाइश नहीं होगी, इसलिए कि मैं जो पढ़ूंगा उसे समझने की गुंजाइश होती है, तालियों की गुंजाइश कम होती है। पहला शेर पढ़ता हूं, जो सिर्फ जाहिर है कि यहाँ पे 90% से ज़्यादा तो नौजवान ही हैं, तो ये सिर्फ नौजवानों के लिए मेरा पहला शेर है। बुज़ुर्ग जो सामने बैठे हैं मेरे,
ये भी मेरा ये शेर सुन सकते हैं, लेकिन ये अमल ना करें इस पर। मैं पहला शेर आप सब बच्चों के लिए पढ़ता हूं, और ये आवाज देखिए, अभी उस वक्त मैं बोला ही नहीं था तो कहां से आएगी आवाज। मैं जब बोलूंगा उस वक्त आवाज जरूर आएगी। मेरा शब्द इतना सस्ता नहीं जो इसी आवाज बगैर और चला जाए। ये बहुत काम का शेर है, मेरी उम्र अब कुछ 70 बरस की हो गई है, लेकिन ये मैं बता दूं आपको कि मैं कभी 20 बरस का भी था। तो ये जो तजर्बा मैं बयान कर रहा हूं ये आपको आज काम आएगा, इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। पहला शेर सुने सब, और यही अंदाज़ा मुझसे हो जाएगा, मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि दूसरा शेर मुझे कैसा पढ़ना है। पहले शेर ही बता देगा, या दूसरा शेर पढ़ना भी है या नहीं पढ़ना ये भी बता चल जाएगा। सुने के राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, इशारों में बता भी देना, राज जो कुछ हो। आवाज आ रही है ना, तो ये आवाज इसलिए आ रही है कि मैं बोल रहा हूं। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। इशारों में बता भी देना। शुक्रिया आपका। मुझे अंदाजा हो गया कि दूसरा शेर मुझे कैसा पढ़ना है। आप राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। दूसरा शेर भी बहुत काम का है, इसे कम मत नंबर दीजिएगा। वैसे इस खत में कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। वैसे इस खत में कोई बात नहीं है, फिर भी एहतियातन इसे पढ़ लो तो जला भी देना। एहतियातन इसे, वैसे इस खत में कोई बात नहीं है, फिर भी एहतियातन इसे पढ़ लो। बहुत अच्छा, जला भी देना। सुने साहब के किसने दस्तक दी, श्रीमान आप भी सुने हजरत साहब, आपको सबसे पहले मुबारकबाद पेश करना चाहिए कि आपने बच्चों को बहुत अच्छा ट्रेंड किया है। सुनिए है कि किसने दस्तक दी। मैं धीरे धीरे शायरी की तरफ आऊँगा, कोशिश करूँगा, और बीच में कभी ना कभी ऐसी शायरी ज़रूर आ जाएगी जिस शायरी की वजह से ये राहत इंदौरी या तो बहुत मशहूर है या बहुत बदनाम है। लेकिन आपसे गुजारिश सिर्फ मेरी दोस्तों यही है कि जब तक मैं माइक पर हूँ आपकी पूरी तवज्जो मेरी तरफ होना चाहिए, इसलिए कि मेरा कोई भरोसा नहीं कि कब मैं अच्छा शेर सुना दूं। पर ये ध्यान रखिए, कह रहा हूं कि किसने दस्तक दी, एक एक शख्स शिरकत करे, किसने दस्तक दी ये दिल पर कौन है, किसने दस्तक दी ये दिल पर, किसने दस्तक दी ये दिल पर कौन है। आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है, किसने दस्तक दी ये दिल पर कौन है। आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है। आप तो अंदर हैं, आप सबके लिए है मेरा ये शेर, आप तो अंदर हैं बाहर कौन है। साहब जवान आंखों के जुगनू चमक रहे होंगे, जवान आंखों के जुगनू
चमक रहे होंगे, जवान आंखों के जुगनू चमक रहे होंगे। अब अपने गांव में अमरूद पक रहे होंगे, जवान आंखों के जुगनू चमक रहे हैं। सब समझ गए साहब, कमाल के बच्चे पैदा किए साहब। हर बच्चा समझ रहा है कि अमरूद का मतलब क्या होता है। जवान आंखों के जुगनू चमक रहे होंगे, अब अपने गांव में अमरूद पक रहे होंगे। अब ये एक, एक, एक शेर और सुने, मजा आएगा आपको, अच्छा लग रहा है, मुझे भी सुनाने में अच्छा लग रहा है, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है कि आपको सुनने में अच्छा लग रहा है। अब अपने गांव में अमरूद पक रहे होंगे, भुला दे मुझको मगर मेरी उंगलियों के निशान, भुला दे मुझको मगर, सुने भाई शंभू शेखर, ये बच्चे तो हैं सही, अब वो उस लड़की पिछले ने कुछ कह रही थी कि ले तुम भी तलाक ले लो, मैं भी तलाक, ये कोई जरूरी थोड़ी हो, तलाक लेना कोई जरूरी थोड़ी है, मियां साहब देखिए हमारे तजर्बों पर, हमारे बताए हुए रास्तों पर और हमारे तजर्बों पर अमल करोगे तो सारी जिंदगी सुख में काटोगे। मैं ये कह रहा हूँ भाई साहब, हमने सारी जिंदगी गुजार दी इश्क करने में, ना शादी की जरूरत है ना तलाक की जरूरत है। शेर का मजा लीजिए कि अब जवान आंखों के जुगनू चमक रहे होंगे, अब अपने गांव में अमरूद पक रहे होंगे, भुला दे मुझको मगर मेरी उंगलियों के निशान तेरे बदन पे अभी तक चमक रहे हो, मगर मेरी उंगलियों के निशान, भुला दे मुझको। अच्छा अच्छा अच्छा, ये एक बात बताइए, आप लोगों को ठीक लग रहा है? अभी थोड़ी देर के बाद आपको और ठीक लगेगा। भुला दे मुझको मगर मेरी उंगलियों के निशान तेरे बदन पे अभी तक चमक रहे होंगे। साहब आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, ये मैं किसकी किसको सुना रहा हूं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन बस ये है कि मैं थोड़ा सा शरीफ आदमी भी हूं तो मैं खुल के नहीं बहुत बता सकता, लेकिन मुझे मालूम है कि खुल के आप खुद पहुंच जाएंगे। आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, हो इजाजत तो तुझे हाथ लगा कर देखूं, आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, हो इजाजत तो तुझे हाथ लगा कर देखूं। अब एक शेर अच्छा रचना रहा हूं, हो इजाजत तो तुझे हाथ लगा कर देखूं, मन का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है, आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, हो इजाजत तो तुझे हाथ लगा कर देखूं, मन का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है, सोचता हूं तेरी तस्वीर लगाकर देखूं, मन का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है। सोचता, बहुत शुक्रिया, मुझे डर लग रहा था कि मैं अच्छा शेर पढ़ना शुरू करूं या ना करूं, पता नहीं आप
कि क्या सलूक करें, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आप मेरी शायरी के साथ भी सफ़र कर रहे हैं, तो मेरी हिम्मत भी बढ़ी है कि मैं आपको शायरी सुनाना भी शुरू करूँगा। मन का मंदिर बड़ा वीरान नज़र आता है, सोचता हूँ तेरी तस्वीर लगा कर देखूँ। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है, और उससे प्रोफेसर साहब उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है, उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन आने जाने में किराया भी बहुत है। मेरी सांसों में समाया भी और वही शख्स पराया भी बहुत है, साहब उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन आने जाने में साहब अगर आप इजाजत देख एक बात बता दूं, राज की बात है ये, मेरा जो कारोबार है, मेरा पेशा है ये जो मैं कविता पाठ कर रहा हूँ, ये मेरा कारोबार है, ये कहने में मुझे कोई शर्म नहीं आ रही है, और मैं जो कहने जा रहा हूँ ये मेरे कारोबार का नुकसान है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, इसलिए कि यहाँ पर आपके साथ बेईमानी करने को मेरा जी नहीं चाहता। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने आपको अभी तक एक भी शेर नहीं सुनाया, यकीन कीजिए। मैं इंतज़ार कर रहा था कि एक मरतबा आप मेरी गिरफ्त में आ जाएं, फिर मैं पहला शेर पढ़ के देखूँगा, क्या अगर आपकी इजाज़त है तो मैं पहला शेर पढ़ के देखूँ। ये तय करेगा मुझे कि आगे मुझे कितनी देर आपके सामने माइक पे खड़े रहना है। मैं पहला शेर पढ़ के देखता हूँ, ये शेर तय करेगा कि मुझे कितने मिनट आपके सामने माइक पे खड़े रहना है। साहब फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, एक एक शख्स मेरे साथ होना चाहिए, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। जिंदाबाद, क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां उठा दे हवा में। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया साहब, मैं गदगद हो गया, आपने मेरे शेर की इज्जत रख ली, यानी मेरी इज्जत रख ली, बहुत बहुत शुक्रिया। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। ये मैं अगला शेर जो मैं पढ़ रहा हूँ ये हमारे वज़ीर आज़म यानी प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी के तक ये शेर पहुंचाना चाहता हूँ। हमारे कविता के मंच पर या मुशायरों के उर्दू शायरी के मंच पर जब जब उनका जिक्र करते हैं तो या तो शौचालय की बात करते हैं या चाय की बात करते हैं, नहीं इसके अलावा भी वो एक अजीम इंसान हैं, एक बड़े लीडर हैं, और सबसे बड़ी बात तो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनसे हमें शायरी की ज़ुबान में भी अगर बात कर रहे हैं तो सलीके से करना चाहिए। अगर मैं सलीके से कुछ कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी साहब के लिए तो मैं आपकी ताईद चाहूँगा। पहला शेर मैंने ये पढ़ा है कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। अब मोदी जी आपसे दरख्वास्त है कि कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए, कट चुकी है
उम्र जिनकी कम कट चुकी है, उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते, अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते, कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते, अब तो इन हाथों में, बहुत शुक्रिया साहब, कोहिनूर होना चाहिए, अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। सुने दोस्तों कि हम आपका शुक्रिया साहब, अब मैं अंदाजा हो गया कि मैं अब आपको शायरी सुना सकता हूं। हम अपनी जान के दुश्मन को, जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। ये देखिए, जान और दिल और सनम, इस तरीके के लफ्ज आते हैं, वैसे ही सब आह करने लगे। ये जान, जान कुछ और भी हो सकता है, मेरी जान, जान कुछ और भी हो सकता है। कह रहा हूं कि आपने कहा था कि कुछ ऐसा भी होना चाहिए। कह रहा हूं कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान के, आपको मायूसी होगी ना, आप जाने क्या सोच रहे थे ना, इनकी नजर में वही 5 फुट 4 इंच वाली जान रहती है, इसके अलावा ये विशाल हिंदुस्तान भी हमारी जान ही है। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। साहब, ये जो जो ये दीवार का सुराख है, साजिश का हिस्सा है। मैं हिंदुस्तानियों को, मैं अपने अजीज हिंदुस्तानियों भाइयों को सबको दावत दे रहा हूँ शेर को समझने में। से सिर्फ गाली बकना नहीं काफ़ी होता है कि इस पाकिस्तान को गाली बक दी, इधर उसको, चीन को गाली बक दी और हमने तालियां बजा ली, एक लिफाफा लिया, एक चेक लिया और घर चले गए। समाधान होना चाहिए। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है, साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। तो ये दीवार का सुराख साजिश का हिस्सा है। बहुत शुक्रिया दोस्त। मैंने आपसे वादा किया था कि बीच में कहीं कहीं ऐसी शायरी जरूर आ जाएगी जिसकी वजह से राहत इंदौरी है, और आपने उसी तरीके से सुना भी। मैं आपको सलाम करता हूं आपकी मोहब्बत का। जो ये दीवार का सुराख है, साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। अगर ये दुश्मन ना हो तो हमारे हौसले पस्त हो जाएं। हम सब इन्हीं की वजह से जिंदा हैं, यकजहती है, मोहब्बत है, मर जाएंगे, सब कुछ कर लेंगे, ख़त्म करके रख देंगे, हिंदुस्तान 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 जिंदाबाद, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। जो आँखों में जो दुनिया को सुनाई दे, उसे कहते हैं खामोशी। इस लाइन का मज़ा ले लेते, मज़ा आ जाता मैंने क्या कहा है। जो दुनिया को सुनाई दे, उसे कहते हैं खामोशी। जो दुनिया को सुनाई दे, जो दुनिया को सुनाई दे, उसे कहते हैं खामोशी। और जो आंखों में दिखाई दे, उसे तूफान कहते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। उसे कहते हैं जो दुनिया को सुनाई दे, उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे, उसे तूफान कहते हैं। देखिए गजल किस तरह चैलेंज करती है, गजल किस तरह दुश्मनों को लताड़ती है, और गजल किस तरह दुश्मनों के लिए दुआ मांगती है। आप मेरे साथ हो जाना, मुझे लग जाएगा कि मेरे साथ हैं, तो एक आध गज़ल और अच्छी सुना के जाऊंगा।
सुने कि सिर्फ खंजर ही नहीं, सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। खंजर ही नहीं, सुन ले दोनों, इस्लामाबाद भी और पेकिंग भी, सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा, दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। आंखों में पानी चाहिए, सिर्फ खंजर ही नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा, दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया, एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। एक समंदर कह रहा था। एक अचानक बीच में एक दो तीन शेर याद आ गए, गजल पर पहुंच जाओ। कितनी, दो तीन मिनट, चार मिनट है मेरे पास? नहीं नहीं, समय तो शंभू शिखर से ही पूछना पड़ेगा। वो कहेगा साहब ये इतने टाइम के पैसे थोड़ी दिए थे आपको। मैं दोस्तों, ये अचानक बीच में दो तीन शेर याद आ गए, इसलिए कि मैंने आपसे एक जुमला बीच में कहा था कि आप इतने ईमानदार और शरीफ लोग हैं कि आपके साथ बेईमानी करने को जी नहीं चाहता, वरना मुझे ताली बजाने के बहुत तरीके याद हैं, आप वाह वाह कर करवा लूँ जो बहुत, लेकिन इतने अच्छे लोग आप हैं कि मैं बीच में कुछ शेर याद आ गए तो मैं सुना रहा हूँ। ये हमारे मुल्क के एक बहुत ही जिम्मेदार रहनुमा हैं, लीडर हैं, उनका नाम है राजनाथ सिंह साहब। नहीं, यकीनन इसमें कोई मैं तर्ज नहीं करता हूँ, मुझे वो याद नहीं, मैं विरस का आदमी भी नहीं हूँ और सिर्फ ताली बजाने के लिए किसी का नाम ले लूँ ऐसा भी नहीं। वो अक्सर ये बयान देते रहते हैं कि हमें अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ रिश्ते कायम रखना है, उनसे डायलॉग करना है, उनसे बातचीत करना है, हमें दोस्ताना बढ़ाना है और दोस्ती करना भी। तो मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ अखबारात में, बयान मीडिया में सुनता रहता हूँ। गाज़ियाबाद में एक मरतबा उनसे मेरी मुलाकात हो गई, तो मैंने उनके सामने, पब्लिक के सामने ये कहा कि आप ज़रूर बात कीजिए, ज़रूर डायलॉग कीजिए, लेकिन बात करने का थोड़ा सा तरीक़ा बदल लीजिए। अगर आप तरीक़ा बदल लेंगे तो शायद बहुत से मुश्किलों के हल निकल आएंगे। तो वहीं मंच से मुझे किसी ने, एक दोस्त ने कहा कि आप बता दें कि क्या तरीक़ा होना चाहिए, तो मैंने वहीं पर एक शेर सुनाया। अगर वो तरीक़ा मैंने सही बताया हो तो मैं आपकी ज़ुबानी सुनना चाहूँगा कि हाँ राहत इंदौरी, आपने तरीक़ा जो बताया ये सही तरीक़ा है। वो मैंने ये सुनाया कि जो तौर है दुनिया, तौर कहते हैं तरीके को, जो तौर है दुनिया का, जो तौर है दुनिया का, जो तौर है दुनिया का, उसी तौर से बोलो। जो तौर है दुनिया का, जो तौर है दुनिया का, उसी तौर से बोलो। जो तौर है दुनिया का, उसी तौर से बोलो। बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोले। जो तार है दुनिया का, जो तार है दुनिया का, उसी तौर से बोलो। बहरों का इलाका है, ये सही तरीका है कि नहीं है? जरा जोर से बोलो। साहब, लड़की हमारी बेटी है ये मुमताज, इसने ये कह रहा था कि मैंने पाकिस्तानियों को कहा कि मेरे अजीज हों। मैं भी कुछ ऐसे ही कुछ कह रहा हूं। जो तौर है दुनिया का, उसी तौर से बोलो। बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो। साहब, दिल्ली में हम ही बोला करें अमन की बोली, दिल्ली में हम ही बोला करें अमन की बोली। यारो, कभी तुम लोग भी लाहौर से बोलो। क्या बात,
दिल्ली में हम ही दिल्ली में हम ही बोला करें अमन की बोली। यारो कभी तुम लोग भी लाहौर से बोलो साहब, सूरज सितारे चांद, देखिए टेक चेंज हो गया अचानक, बीच में वापस आ जाऊंगा। सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे, सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में। वाह वाह, सिर्फ 70 बरस में हिंदुस्तान का एक मुसलमान ये कह रहा है कि हमें बात करने का तरीका बदल देना चाहिए। सिर्फ 70 बरस में एक ऐसा हिंदुस्तान जो एक था हिंदुस्तान और पाकिस्तान, वहीं का हिंदुस्तानी एक ये कहना पड़ रहा है उसको, सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। और अभी आवाज बदलना पड़ रही है मुझे, मेरे हाथ में रहे, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। और अब सुन ले के, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे के औकात में रहे वो पत्ते नहीं हैं, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। मैं बहुत वक्त की पाबंदी है, एक मर्यादा है सबके लिए वक्त था, मैं ख़त्म कर रहा हूँ। एक दो तीन शेर दो डेढ़ मिनट में, दो मिनट में कह रही, ताकि आप बिल्कुल ताज़ा हो जाएं, सरहद पर चले गए थे, जंग की तरफ चले गए थे, वहाँ से वापस दिल्ली आ जाएं होश खास की तरफ, वो तो फिर अच्छे हल्के फुल्के हो गए हम। ये कुछ बच्चों की फरमाइशें, मैं आमतौर पर फरमाइशें पूरी करता नहीं हूँ, और मैं मना भी करता हूँ बच्चों को कि मर्दों से फरमाइश नहीं करना चाहिए, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी, मुझे टेलीफोन पर करके कह कर के बताया गया, हमने खड़गपुर में IIT में सुना, रुड़की में IIT में सुना, कहाँ कहाँ दिल्ली बम्बई में सुना। तो मैं दो चार शेर हैं, ये डेढ़ मिनट में ख़त्म हो जाएंगे। तो उन्हें उसकी कत्थई आँखों में, उसकी कत्थई आँखों में है जंतर मंतर। सब इसमें क्या खूबी या खराबी यह कि अचानक ख़त्म हो जाएगा, तो ज़रा सा होशियार रहना ताकि मेरा नुकसान ना हो। उसकी कत्थई आँखों में है जंतर मंतर, सब उसकी कत्थई आँखों में है, उसकी कत्थई आँखों में है जंतर मंतर, सब चाकू वाकू छुरियाँ वुरियाँ खंजर वंजर सब खत्म हो गया। ये मैंने बोला था जरा होशियार रहिएगा, आपने होशियार रहे सब कुछ। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर, सब चाकू वाकू छुरियाँ वुरियाँ खंजर वंजर सब। जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे रूठे हैं, चाकू वाकू छुरियाँ वुरियाँ खंजर वंजर सब। जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर। जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर सब। ये एक नाकाम और नामुराद किस्म का आशिक है उसकी आवाज़ थी, लेकिन एक मर्दाना आवाज़ थोड़ी अलग होती है, ऐसा लगता है कि शायद वो मर्दाना आवाज़ आपको ज़्यादा पसंद आएगी। मैंने अभी शेर ये पढ़ा है कि जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर सब। मर्दाना आवाज़ ये है कि मुझसे बिछड़कर वो भी कहाँ पहले जैसी है, मुझसे बिछड़कर वो भी कहाँ अब पहले जैसी है,
फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर। कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।